हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विलेज कढ़ाई चैनल में। यदि आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये मैंने 7-8 टमाटर लिए हुए हैं, इसको धोकर हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। मैं इसको 2-3 पानी से अच्छे से धोकर साफ़ कर लेती हूँ। बरसात का समय है और इस टाइम चटपटा खाने का बहुत ही मन करता है, तो चलिए हम आज कुछ नया बनाते हैं। टमाटर को धोकर हमने साफ़ कर लिया है, चलिए अब रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आलू को हमने पहले ही उबाल कर रख लिया है। अब इस कटोरी में मैंने ठंडा पानी लिया है, तो आलू को हम इसमें डालेंगे क्योंकि आलू बहुत ही गर्म है। आलू में यदि नमक डालकर आप उबालेंगे तो उसका छिलका बहुत ही जल्दी उतर जाता है। आलू का अब हम छिलका उतार कर रख लेते हैं। हमारा आलू अभी गर्म ही है, तो हम इसे एक कटोरी की सहायता से इसको मेस कर लेते हैं। गर्म आलू को हमें मेस करने से ये बहुत ही जल्दी मेस हो जाता है। चटनी बनाने के लिए हमने ली हुई है, ये हमने हरी मिर्च ली है, 5-6 हरी मिर्च है, और ये हमने धनिया की पत्ती ली हुई है, और ये हमने बेसन का सेव लिया हुआ है, लहसुन लिया हुआ है, और ये हमने अदरक का एक टुकड़ा लिया हुआ है। आलू में जो मसाले हम डालेंगे उसके लिए हमने लिया हुआ है, ये हमने हरी मिर्च ली है, और ये हमने लिया हुआ है कश्मीरी लाल मिर्च, और ये हमने हल्दी पाउडर लिया हुआ है, धनिया पाउडर लिया हुआ है, और ये हमने जीरा लिया हुआ है, अजवाइन ली हुई है, और एक नींबू लिया हुआ है जिसको हमने काट लिया है। तो सबसे पहले हम चटनी को पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने हरी धनिया की पत्ती सिलबट्टे पर रखते हैं और थोड़ी सी बचा लेते हैं। हरी मिर्च को रखते हैं, लहसुन अदरक और बेसन के सेव को भी रख लेते हैं। बेसन के सेव से हमारी चटनी बहुत ही गाढ़ी बनकर तैयार होती है। अब हम इसको पीस लेते हैं। चटनी को हमने पीस लिया है। अब हम चटनी में डालते हैं स्वाद के अनुसार नमक और उसे अच्छी तरह से मिला देते हैं। टमाटर के पकौड़े बनाने के लिए ये चटनी बहुत ही ज़रूरी है। हमने आग जला लिया है और कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा और जीरे को हम कुछ देर के लिए भूनेंगे। जीरा हमारा अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। अब इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च,
और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए भूनेंगे। मसाले अच्छी तरह से भून जाने के बाद हम इसमें डालेंगे मैश किया हुआ आलू। और इसे मसाले में अच्छी तरह से मिलाते हुए चलाएंगे। हमें इसे धीमी धीमी आंच पर भूनना है। तो हम आलू को अच्छी तरह से मसाले में मिला लेते हैं। आलू को हमने मसाले में अच्छी तरह से मिलाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। आलू हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं हरी धनिया की पत्ती और नींबू का रस इसमें निचोड़ देते हैं। और स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम टमाटर को काट कर तैयार कर लेते हैं। तो हम टमाटर के ऊपरी हिस्से को और नीचे के हिस्से को काट कर अलग कर लेते हैं और उसे बीच में से काट लेंगे। इसी तरह हम दूसरे टमाटर को काट के रख लेंगे। टमाटर को बीच में काटने के बाद हम इसके बीच का गुदा निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हमको इसका गुदा निकाल लेना है। इसी तरह हम सारे टमाटर के बीच के गुदे को निकाल लेंगे। ये जो मैंने टमाटर लिए हुए हैं ये बहुत ही लाल और थोड़े कड़े हैं। हमें इसी तरह का टमाटर चाहिए। टमाटर को हम पतले पतले पीसेस में भी उसको काट कर पकौड़ा बना सकते हैं। हमने सारे टमाटर के गुदे को काट कर निकाल लिया है। अब हम कटे हुए टमाटर में जो हमने चटनी बनाई हुई थी उसको हम बीच में भरेंगे और उसे अच्छी तरह से फैलाकर चटनी को भरेंगे उसमें। चटनी को भरने के बाद हम उसमें जो हमने आलू बनाया हुआ था उसको हम टमाटर के अंदर भरेंगे। इसी तरह हम और भी टमाटर में चटनी को भरकर उसमें आलू को भरकर तैयार कर लेंगे। इसी तरह हम सारे टमाटर में आलू और चटनी को भरकर तैयार कर लेंगे। इस तरह टमाटर का पकौड़ा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अब हम टमाटर के पीसेस पर भी चटनी लगाएंगे। ये देखिए जिस तरह से मैं लगा रही हूँ आप भी इसी तरह लगाइए। इसी तरह हम सारे टमाटर के पीसेस पर चटनी लगा लेंगे।
अब हम टमाटर के दोनों साइड पे आलू लगाएंगे। इसी तरह हम सभी टमाटर के दोनों तरफ आलू को लगाकर उसको बेंड कर देंगे। इसी तरह हमने सभी टमाटर को अच्छी तरह से भरकर तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं, और टमाटर पर मैंने चटनी लगी हुई ऐसे ही रहने दी है। ये हमने बेसन लिया हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। और ये हमने अजवाइन लिया हुआ है, इसको थोड़ा सा मिक्स कर डालेंगे और इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर इसका घोल तैयार करेंगे। इसका घोल हमें थोड़ा गाढ़ा ही चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका घोल थोड़ा गाढ़ा ही तैयार करना है। अब हम कढ़ाई में डालेंगे रिफाइंड ऑयल और इसको हम अच्छी तरह से गर्म करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो हम भरे हुए एक टमाटर को लेंगे और उसे बेसन में अच्छी तरह से लपेटेंगे और उसे गर्म तेल में डालेंगे। इसी तरह हम और भी टमाटर को बेसन में अच्छे से लपेटकर तेल में डालेंगे। हम टमाटर के पकौड़े को हल्का ब्राउन होने तक तलेंगे। एक तरफ से जब हमारा टमाटर का पकौड़ा तल जाए तो हम इसको पलट देंगे। हम पकौड़े को चारों तरफ से उलट पलट देंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। अब हमारा पकौड़ा तलकर तैयार है तो हम इसका एक्स्ट्रा तेल नीचे गिराकर इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह हम और भी पकौड़े तलकर तैयार कर लेते हैं और उसे निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है हमारा टमाटर का पकौड़ा। अब हमने जो टमाटर के दोनों तरफ आलू लगाया हुआ था उसे भी हम बेसन में लपेटकर गरम तेल में डालकर उसे भी तल लेंगे। अब हम टमाटर के पकौड़े को हल्का सुनहला कलर होने तक तलेंगे। आप इस तरह भी टमाटर के पकौड़े को बना सकते हैं। जब हमारा पकौड़ा एक तरफ से तल जाए तो दूसरी तरफ हम इसको पलट देंगे। देखिए टमाटर का पकौड़ा हमारा इस तरह भी बहुत बढ़िया बना हुआ है, आप इस तरह भी बना सकते हैं। अब हमारा ये पकौड़ा तैयार हो चुका है, इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हमने जो टमाटर पे सिर्फ चटनी लगाई हुई थी उसे भी हम बेसन में लपेट कर उसे भी तल लेंगे। ये तरीका और भी आसान है, आप इस तरह भी टमाटर का पकौड़ा बना सकते हैं।
इस तरह भी हमारा टमाटर का पकौड़ा तलकर तैयार हो चुका है। अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो आपने देखा, हमने टमाटर के पकौड़े को तीन तरह से बनाना बताया है। आप किसी भी तरह से इसको बना सकते हैं। यदि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उस पर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।